सद्गुरु कबीराश्रम चंद्रावल में आश्रम के सभी संत भक्त हंसजन दूर दूर से पधारे हुए प्रेमीजन ग्रामवासी आज मुझे गुरु महिमा इसलिए निकालनी पड़ी कि यहां पर जो गुरु के बारे में लोग जो है भजन गाते भी हैं और पाठ भी करते हैं, परंतु उसका अनुसरण नहीं करते। इसलिए मुझे ये गुरु महिमा का पाठ निकालना पड़ा कि वो व्यक्ति जब दुखी होता है, तड़पता है, मरता है, तब वह किसी गुरु की शरण में जाता है, और जब उसके पास धन हो जाता है, संपत्ति हो जाती है, उसका मान बढ़ जाता है, तब वो वही व्यक्ति गुरु को क्या से क्या बोलते चले जाता है। इसलिए मैंने ये पाठ निकाला। ये पाठ क्या कह रहा है जरा सोचिए समझिए। माता पिता गुरु क्या होते हैं? गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे। यहां पर कबीर साहब आपको सबसे पहले गुरु की परख बता रहे हैं। आप किसी को ऐसे ही चलते फिरते गुरु ना कहो, और जब गुरु धारण करो उसके बाद में आपके क्या नियम होते हैं, उस नियम पे आपको चलना होता है, तभी आप पार होते हैं। गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, सब विश्व गुरु गुरु की महिमा गा रहा है। गुरु सो ही जो भरम निवारे। इस दुनिया में गुरु का दर्जा उसी को मिलता है जो दुनिया को भ्रम से बाहर निकालता है, जीवों को भ्रम से बाहर निकालता है। ध्यान देके सुनिएगा एक एक बात। ये सिर्फ आप लोगों के लिए निकाला हुआ ग्रंथ है, और ये हमेशा याद रखो कि जब जब गुरु के प्रति भूल करोगे तब यह ग्रंथ आपको उपदेश करेगा। और आज जो मैं वाणी कह रहा हूं, और ये वाणी रिकॉर्ड हो रही है, और वो वाणी चाहे आप और हम शरीर से नहीं रहेंगे पर संसार में रहेंगे। क्या कह रहे हैं सद्गुरु? गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, और गुरु सोही जो भ्रम निवारे। बहुत गुरु अस जग माही, और हरे द्रव्य भव दुख कोई नाही। सदगुरु कहते हैं कि भाई चलते फिरते कोई गुरु मत करना, बहुत गुरु बनने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं? बहुत गुरु अस जग माही। इस जगत में बहुत गुरु हैं जिनको शब्द का बोध नहीं है, नाम का बोध नहीं है, दुनिया को लूटने के लिए पैदा हुए। बहुत गुरु अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कोई नाही। जिस समय भव दुख पड़ता है जीव में, 9 महीने माता के गर्भ में जीव दुखी रहता है। अभी प्रत्यक्ष में आप देख लो, वो गाय ने
अभी दरवाजा खोला है, वो गाय ने अपने सींग से आश्रम का दरवाजा अभी खोला, इधर देखो ये गाय कितनी दुखी है। अब ये कुछ चाहती है कि मुझे कोई यहां से कुछ मिले, अर्थात ये गाय के भी कोई गुरु थे, परंतु गाय ने भी अच्छा कर्म नहीं किया और गुरु भी अच्छे नहीं मिले, इसलिए बेचारी 84 में पड़ गई। अब आशाएं हो गई तो क्या कहते हैं, बहुत गुरु अस जग माही और हरे द्रव्य भव दुख कोई नाही। ये बार बार जीव जो जन्म रहे, कभी गाय बन रहे, पशु बन रहे, पक्षी बन रहे, कीड़े मकोड़े बन रहे, ये तुम्हारे परिवार इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। समृद्ध गुरु ही आपको बहुसाग माता के गर्भ में आने का रास्ता बंद कर सकता है, आवागमन मिटा सकता है। इसमें नाते रिश्ते, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र कुछ नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ संसार में व्यवहार बनाया हुआ है, संसार का व्यवहार इतना ही नहीं। तुमने अगर स्त्री को, बेटा को, बेटी को, परिवार को अपने गुरु से ज्यादा दर्जा दिया तो वही 84 की गति में जीव जाएगा। क्यों? गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, होई दुखी संसार में पड़े जमों के फंद। संसार में दुखी होता है जमों के फंद में क्यों पड़ता है? क्योंकि अपने परिवार जनों से भी गुरु को नीचा समझता है, मनुष्य समझता है। भाव नीचा तो गति नीची, भाव ऊंचा तो भक्ति ऊंची। अब यहां ध्यान लगा के सुन लेना, जब आपको कोई गुरु सत्संग में बुलाते हैं तब आप कहते मेरे बेटी के यहाँ जाना, बेटा के यहाँ जाना, तो आप गुरुमुखी नहीं हो, बेमुखी हो। जिस गुरु ने आपको याद किया कोई सोच समझ के, आप वहां नहीं पहुंचे। आपके लिए परिवार बड़ा हो गया, आपके लिए धन बड़ा हो गया, आपके लिए घर मकान जमीन बड़ी हो गई, गुरु को आपने भाव नहीं दिया, यहाँ पर आपका भाव घटिया हो गया, तो आप घटिया गति में चले जाओ। भाव जितना भक्ति में बढ़ेगा उतना ही आपकी भक्ति बढ़ेगी। यह क्या कह रहे हैं, बहुत गुरु वश कमाई हरिद्रव्य भव कोई दुख नाही, तासे प्रथम परीक्षा कीजे पाछे से श्री दीक्षा लीजिए। अर्थात पहले ही गुरु धारण करने के पहले ही तुम गुरु को भली भांति देख लेना, समझ लेना। क्या कहते हैं भाई, तू अपने किसी संत को गुरु माने तो उनकी परीक्षा भी ले ले, तुम्हें सत्य लगे तो गुरु धारण कर। क्या कहा, तासे प्रथम परीक्षा कीजे पाचे शिष्य दीक्षा लीजे। बिना जाने जो कोई गुरु करे सो नर भव सागर में पड़े। बिना जाने सोचे समझे, ना गुरु आपको जानते हैं ना आप गुरु को जानते हैं, बस किसी प्रभाव में आके आप गुरु कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सुधार नहीं होगा, बचाव नहीं होगा, क्योंकि दोनों में लगाव नहीं होने के कारण नहीं होगा। बिना जाने जो कोई गुरु कर ही सो नर भव सागर में पड़ ही, कभी वो भव सागर में पड़ेगी। भव सागर अर्थात माता के गर्भ में पड़ेगा, वापस जन्म मरण में आ जाएगा। पाखंडी पापी अविचारी, सद्गुरु समझा रहे हैं, पाखंड करने वाला पापी अविचारी नास्तिक कुटिल वृत्ति बकधारी,
जो जिसका विश्वास सत्पुरुष में सतलोक में नहीं है, सत्य पुरुष में इष्ट में नहीं है, वह नास्तिक गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद भी नहीं मानता कि कोई परमात्मा भी है, तो आपको क्या दे देगा? नास्तिक कुटिल, कुटिल और बकधारी, बिना जरूरत का बकवास करने वाला, पाखंड पापी अविचार से बोलने वाला, अभिमानी निंदक सट नटखट, जो अभिमानी है, निंदक है, नटखट है, दुराचार्य तबला लंपट, और इस तरह से दुराचारी अबला लंपट, क्रोधी कुतर्क विवादी, क्रोधी भी है, कूर भी है, कुतर्क करने वाला विवादी भी है, लोभी और शमिता रहित विषादी, लोभी भी है और उसके अंदर क्षमता नहीं है, और विषादी मतलब आलसी है। अस गुरु कबू न भूल न कीजिए। कबीर साहब आपको समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु मत बनो, ऐसे गुरु कबू भूल न कीजिए और इनको दूर ही से तज दीजिए। आगे क्या कहते हैं? निगम, अब कैसे गुरु? निगम आगम रस के ज्ञाता, निगम आगम वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता, निष्प्रहित अनुशासन दाता, किसी से अधिक मोह लगाव नहीं, और अनुशासन करने वाले, अनुशासित करने वाले, अनुशासन में चलकर दूसरों को अनुशासित करने वाले, दया समा संतोष से युक्त, और दया है, समा है, संतोष से इसे युक्त, परम विचारमान भवमुक्त, परम विचारमान है, भवमुक्त है, लोभ मोह मद मत्सर आदि, लोभ और मोह और मत्सर से दूर रहित सदा परमार्थवादी, और रहित सदा परमार्थवादी, हमेशा परमार्थ करने और कराने वाले। अब देखिए, ध्यान दीजिए, शब्द है परमार्थवादी, वादी परमार्थवादी, परमार्थ करने वाला और कराने वाला, राग द्वेष दुख द्वंद निहारी, राग द्वेष से दूर रहने वाले, रहे अखंड सत्य व्रतधारी, और अखंड सत्य का व्रत लिए हुए हैं, भद्र भेष मुद्रा अति सुंदर, जिनका भेष भद्र है, मुद्रा अति सुंदर है, गति अपार मति धर्म धुरंधर, अपार जिनकी गति मति और धर्म के धुरंधर है, कृपय भक्तन पे कर प्रीति, यथा शास्त्र सिखवे शुभ नीति, जो आपको हर सदग्रंथ से ज्ञान निकाल कर आपको सुना। ऐसा नहीं कि मैं गीता नहीं पढ़ूं, मैं रामायण नहीं पढ़ूं, मैं वेद नहीं पढ़ूं, मैं ये ग्रंथ नहीं पढ़ूं, नहीं, वो हर ग्रंथ का अध्ययन करके आपको उसका सार समझाना है कि इसका क्या सार है। तो क्या कहते हैं? कृपे भक्तों से करे प्रीति, जो भक्त पास में आते हैं उसे प्रीति करें, यथा शास्त्र शुभ सिखवे शुभ नीति, नीति शास्त्र और ज्ञानवर्धक शास्त्रों का अपने शिष्यों को अध्ययन कर, नीति की बातें सिखाए, कर्तव्य की बातें सिखाए। फिर क्या कहते हैं?
जिनके स्वप्न क्रोध और कबून हो मधुर वचन के प्रीति युद्ध देते सब इनको उपदेश। साहिब ने तो कह दिया कि क्रोध तीन प्रकार का होता है, चार प्रकार का समझ लो। क्रोध जो होता है वो काम, ये दोनों हमें सार शब्द से दूर कर कर बुद्धि अच्छी करनी है तो क्रोध को दूर रखो, क्रोध की बातों को दूर रखो, प्रेज करो, क्रोध की बात आई वहां से उठ जाओ, सम कर लो, निकाल दो क्रोध को बाहर। तो काम विकार को कहते हैं, क्रोध चिड़चिड़ापन कहते हैं, साहेब कहते हैं, चाहे साधु हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी साधक हो, ये समझ लो कि क्रोध आपका दुश्मन है। इसलिए जिनके सपनों क्रोध, जो व्यक्ति सपनों में भी क्रोध नहीं करता, साहेब कहते हैं कब न हो तो उसमें कभी प्रवेश न करे क्रोध, मधुर वचन के प्रीति युद्ध सभी को उपदेश।